आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कश्मीर का मुद्दा हर समय गर्माता रहता है। कारण कुछ भी हो, लेकिन कश्मीर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो हर समय विवादों में रहता आ रहा है। हाल ही में एक बार फिर से जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है। गुरुवार 24 जून 2021 को दिल्ली में कश्मीरी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई थी। सरकार ने कई दफ़ा बोला कि अनुच्छेद 370 अभी भी लागू है, तो फिर हटाया क्या गया? आइए इसी के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो फैक्टेड बाय विकास का आज का वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, जिसमें हम अनुच्छेद 370 और 35A के बारे में सारे भ्रम आपके दूर करते हैं। अब राज्य में अनुच्छेद 370 खंड एक ही लागू है। यह कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न राज्य है और संसद को जम्मू कश्मीर के लिए कानून बनाने का अधिकार है। बाकी अनुच्छेद 370 और 35A के जो प्रावधान यहां के नागरिकों को कुछ अधिकार और सुविधाएं देते थे जो देश के अन्य हिस्सों से अलग थे, वे सभी प्रावधान निरस्त कर दिए गए थे। लगभग 22 महीने पहले 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के जरिए जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 के एक खंड को छोड़कर शेष प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने संसद के जरिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में पारित कराया था। इस अधिनियम के तहत उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। इससे जम्मू कश्मीर को विधानसभा युक्त केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जबकि लद्दाख बगैर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना। इससे यहाँ की राजनीतिक और भौगोलिक तस्वीर ही बदल गई। आज़ादी के बाद कश्मीर का भारत में विलय हो चुका था। 1949 में तत्कालीन जम्मू कश्मीर सरकार ने इसका ड्राफ्ट पेश किया था। विचार विमर्श और संशोधन के बाद 27 मई 1949 को संविधान सभा में अनुच्छेद 306A, जो बाद में 370 भी कहलाया, पारित हुआ। 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक हिस्सा बन गया। हालांकि इसमें एक टेम्प्रेरी शब्द जोड़ा गया था जो इसके अंतरिम और अस्थायी होने का प्रमाण था। वहीं नवंबर 1956 में जम्मू कश्मीर में अलग संविधान का काम पूरा हुआ था। इसके बाद 26 जनवरी 1957 राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया। अनुच्छेद 370 के खंड 3 में इसके खात्मे को लेकर दो प्रावधान रखे गए थे, राष्ट्रपति के आदेश से और जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सहमति। जब इसके प्रावधानों को निरस्त किया गया तो उस वक्त जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू था और विधानसभा भंग थी। ऐसे में राज्यपाल की सलाह ही जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सलाह मानी जाती है। इसलिए अनुच्छेद 370 और 35A के प्रावधानों को निरस्त करने के लिए राष्ट्रपति का अध्यादेश ही काफ़ी था। आज़ादी के वक्त देश का जो विभाजन हुआ था, अंग्रेजी सरकार ने सभी रियासतों को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में से एक चुनने का विकल्प दिया था। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नामक एक विलय पत्र बनाया गया था। इस पर रियासतों के प्रमुख राजा या नवाब को अपने नाम, पते, रियासत का नाम, हस्ताक्षर के साथ सील लगाकर उसे सौंपना था। पाकिस्तान के कबायली हमले के बाद कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय को लेकर एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह पत्र यानी कि संधि पत्र भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहलाता है। 27 अक्टूबर 1947 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे स्वीकार कर लिया। उस समय कश्मीर का भारत में विलय के लिए कोई शर्त नहीं थी और न ही इसे विशेष दर्जे जैसी कोई मांग। इसमें पाकिस्तान द्वारा कब्जाया क्षेत्र भी शामिल था। कश्मीर में अनुच्छेद 35A भी भारत सरकार की ही देन थी। यह अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर की विधानसभा को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान करता था। कश्मीर के भारत में विलय के बाद शेख अब्दुल्ला को वहां का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया था। 1952 में अब्दुल्ला और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच दिल्ली में एक समझौता हुआ था।
इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अनुच्छेद 370(1)(d) के तहत 14 मई 1954 को एक आदेश पारित कर अनुच्छेद 35(a) को लागू किया था। अनुच्छेद 35(a) के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को भूमि, कारोबार और रोजगार संरक्षण के विशेषाधिकार भी दिए गए। इससे राज्य में देश के दूसरे राज्यों के लोगों के लिए संपत्ति, कारोबार और रोजगार को जो अधिकार था वो खत्म कर दिया गया। हालांकि इसे संसदीय प्रणाली के तहत संविधान संशोधन कर लागू नहीं किया गया था, इसलिए इसकी संवैधानिकता विवादित ही रही। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर से हमारा यह वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो सब्सक्राइब हमारे चैनल नहीं किए हैं लेकिन वीडियो तो देखते ही है। और अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जरूर से जाकर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपसे अब मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।